सर हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले ये बताएं कि आगामी जो 21 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाला है उसमें सीपीआई का प्रत्याशी आप भी हैं जी बिल्कुल। जी, तो आपका सर क्या एजेंडा होगा इस चुनाव में सर? देखिए एजेंडा एक समस्याओं का सीमांचल है और किशनगंज का जो ये पोठिया और किशनगंज जो हमारा विधानसभा है जी और ये जो पोठिया है खास करके किशनगंज विधानसभा में ये काफी पिछड़ा है और पिछड़ा इस हर लिहाज से पिछड़ा है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और जो यहाँ पर जो सड़कें हैं बहुत नैरो हैं, जिसकी वजह से हजार दिन में जो है हर दिन कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती है। पिछले 70-72 सालों में जो है हमारी जनसंख्या बढ़ी है, गाड़ियों के तादाद बढ़े हैं, लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं बिल्कुल वैसे ही 1947 से पहले की जो सड़कें हैं वही है। तो मेरी प्राथमिकता होगी यहाँ पर कि यहाँ पर हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम और जो सड़कें हैं ये चौड़ी हो। ये सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जी। और सड़कें वैसे ही होती हैं जैसे हमारे जिसमें जो खून की जो नलियां हैं जी, जो रक्त की जो ब्लड वेसल्स है उसकी तरह होती है। अगर ब्लड वेसल्स आपका अगर कहीं पर जाम हो जाए तो एक इंसान स्वस्थ नहीं रह सकता है, इसलिए हमारे सड़कें समाज को स्वस्थ होने के लिए हमारी जो सड़कें हैं बहुत अच्छी और अच्छा होना बहुत जरूरी है। काम करूंगा और शिक्षा और पोठिया में जो रेफरल है हॉस्पिटल है और यहाँ पर एक समस्या मुझे देखने को मिली कि मरीजों को रेफर करने की जो एक आदत बना ली है डॉक्टर साहब ने जी, और सीएस और यहाँ पर जो है कोई इंतजाम नहीं है सर। डॉक्टरों की जो कमी है सर पूरे बिहार में सभी सरकारी अस्पताल में है सर। आपकी आपका सरकार तो बनेगा नहीं, आप एक सीट जीत के जाएंगे और ये उपचुनाव है तो कहाँ तक संभव हो पाएगा आपका जो एजेंडा है? बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, अगर मैं जीता हूँ तो मेरी हमारी एक सीट होगी, लेकिन हमारा संघर्ष ऐसे ही रहेगा, हमारा अप्रोच कुछ अलग रहेगा। हम सरकार करेंगे, अगर बात से नहीं माने सरकार तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क जाम होगा और यहाँ की जनता को लेकर के जो है हम यहाँ की सरकार को जो है ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी समस्या है, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग जो है जन आंदोलन पर उतरेंगे और इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार है। सर हमारे दर्शकों को आप थोड़ा ये बता दें कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया है? मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है मैं किशनगंज से पढ़ाई की है और उसके बाद हायर एजुकेशन मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद फिर मैं अलग अलग कंपनियों में मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब भी किया हूँ और आज विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी के रूप में यहाँ की आवाम की जो है दर्द है, यहाँ के आवाम की जो कमियां हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, इनकी हालत को देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मेरे दिल में जो है एक कसक रह गई कि नहीं मुझे यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अपने लिए तो बहुत कुछ कर चुके हैं, अब जो जिंदगी बची है मैं यहाँ की जनता और यहाँ के आवाम के लिए जो है इस पर खर्च करना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य के साथ, इसी जज्बे के साथ मैं विधानसभा उपचुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। अच्छा सर, तो सोशल मीडिया पर MIM के बाद आपका समर्थक जो हम देख रहे हैं कि MIM का सबसे ज्यादा समर्थक है ये इस बार के उपचुनाव में, बाय इलेक्शन में, लेकिन उसके बाद जो आपका सपोर्टर है तो उसके बाद आपका नंबर आता है, दूसरे नंबर पे आप हैं, तो इसका कारण क्या है सर, ये जान सकते हैं इसका क्या कारण है? देखिए सोशल मीडिया में जब मैं नौकरी करता था तो मैं किशनगंज और सीमांचल को लेकर के, मैं यहाँ के इश्यूज को लेकर के, मैं हमेशा मेरी जहां तक रसाई होती थी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इश्यूज को उठाता था और उसी क्रम में बहुत सारे लोगों से हमारी दोस्ती हुई, लोग मुझे जाने, मेरे आइडियाज, मेरे व्यूज, मेरे विचार से जो है लोग अवगत हुए, जिसकी वजह से आज हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं सोशल मीडिया के जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, जिन्होंने मुझसे कहा कि आप चुनाव में आइए, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कीजिए, आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। उन्होंने जो है मुझे हिम्मत दिया और आज भी मेरे साथ खड़े हैं। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरा मुझे हिम्मत दिया, साहस दिया और मुझे प्रेरित किया कि मुझे जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर के समाज कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। सर आप कॉरपोरेट कंपनी में जॉब कर रहे थे जैसा कि आपने बताया, तो फिर ये अपना करियर दांव पे लगा के, अपना जॉब छोड़ के अचानक किशनगंज से चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया? देखिए आपके दिल में अगर लोगों के लिए मोहब्बत है जी, ये प्यार जो है ना अंधा होता है जी, आपने सुना होगा जी, ये यहाँ की जनता की मोहब्बत है जी, जिसने मुझे वो इसी के मकानों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अगर मैं ये सोचता कि मुझे अपनी जिंदगी जीनी है
तो मैं अपने नौकरी अपने कॉर्पोरेट की दुनिया में खुश रहता और अपने बच्चों को लेकर मैं आराम से जिंदगी गुजारता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि खुद का जीना भी कोई जीना नहीं होता है। अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा रहे, आपके पड़ोस में कोई गरीब रहे, कोई दवा पूछता रहे और उसके हक के लिए आप नहीं लड़े, तो जब एक शेर आपको मैं याद आ रहा है मुझे कि वसूलों पे जब आ जाए तो कुछ इस तरह से है, क्या है, वसूलों पे जब आ जाए तो भूल रहा है वो शेर। सर दूसरा सवाल मैं लेता हूँ सर, आपकी उपलब्धि किशनगंज विधानसभा में अब तक क्या है, आपका योगदान क्या है जो आप किशनगंज विधानसभा के जो मतदाता हैं आपको मतदान करें अब तक? किशनगंज विधानसभा में और क्योंकि मैं किशनगंज से हूँ और जब भी मैं घर आया करता था अपने छात्र जीवन में और या फिर अपने नौकरी करते वक्त, मैं 2-4-5-10 दिन के लिए जब भी मैं घर आता था मैं अपने समाज के इश्यूज को लेकर के अपने समाज के मुद्दों को लेकर के मैं हमेशा यहाँ पर जिला प्रशासन से हो या नेतागण से हो सबसे संपर्क साधकर मैं यहाँ पे सोल्यूशन ढूंढता था। तो ये जो मेरा प्रयास था, ये जो मेरी कोशिश थी, इस कोशिश को यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जो है उसको जो है जानने लगे, उसको महसूस करने लगे कि नहीं ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। और वही उन्हीं लोगों ने जो है मुझे प्रेरित किया और उन्हीं लोगों ने मुझे साहस दिया कि आप इलेक्शन लड़िए। अच्छा सर, अगला सवाल है मेरा, आपको किसान विधानसभा के लोग विधायक क्यों बनाए? अगर आप जीत जाते हैं तो क्या करेंगे किसान विधानसभा के लोगों के लिए? देखिए, मैं आज के युग का नौजवान हूँ और हमारे पास जो इश्यूज को सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल नया है। हम इश्यूज का रूट काउज एनालिसिस करते हैं, ये इश्यूज शुरू कहाँ से होते हैं, हम लोग वहां से हम लोग उसको पकड़ते हैं और उसको कैसे इसका समाधान हो। हम प्रशासन के पास सिर्फ डिमांड नहीं करते हैं, हम प्रशासन के पास सोल्यूशन लेके जाते हैं कि ये सोल्यूशन है इस समस्या का, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अप्रोच अलग है, ये अप्रोच है हमारे पास, किसी इश्यूज को नजरिया हमारा जो है बिल्कुल नया है और ये पुराने जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, जो परंपरागत जो लोग होते हैं, पुराने ख्याल के लोग होते हैं, वो लोग सिर्फ भाषण में अपनी बातों को भूल जाते हैं। ये आदत हमारी नहीं है, हम लोग नए युग के युवा हैं और हमारी जो है कोशिश और हमारे जो प्रयास बिल्कुल सटीक होता है, ये हमारा विश्वास है। बिल्कुल सर, आप युवा हैं और युवा के वजह से ही आप सोशल मीडिया पे जो आपके समर्थक हैं आप उस लाइन पे दूसरे नंबर पे हैं। तो सर आपका जो कोई पार्टी का जो बड़ा चेहरा है जैसे कन्हैया कुमार जी हैं जो स्टार प्रचारक हैं वो, और या अन्य कोई भी आदमी अब तक आपके चुनाव प्रचार के लिए कोई सभा के लिए नहीं आए, ऐसा कोई प्रोग्राम नेक्स्ट में है क्या? नहीं, हमारे चुनाव प्रचार में कल हमारे पड़ोसी जिला के विधायक हैं विक्टर अली इमरान रम भाई, वो आए थे जी। से एक्स मिनिस्टर श्री कुमार मुखर्जी जी कल आए थे जी। और हम लोग सभा भी किए और 19 तारीख को हमारे साथी कॉमरेड कन्हैया कुमार जी भी आ रहे हैं और किशनगंज सहित हम लोग पूरे किशनगंज में 4 सभा करेंगे। कन्हैया कुमार का सभा 19 तारीख को किस जगह पे है सर? पहला प्रोग्राम हम लोग किशनगंज में रखे हैं जो एक रोड शो के तौर पर होगा, दूसरा एक प्रोग्राम रखे हैं हम लोग छतरगाछ में, तीसरा प्रोग्राम पोठिया में है, उसके बाद आखिरी प्रोग्राम जो है हमारा दामाबाड़ी हाट में होगा। अच्छा सर, ये किशनगंज विधानसभा का जो सीट है सर ये कांग्रेस का पुश्तैनी सीट रहा है तो, और अभी यहाँ पर जो है बीजेपी का भी प्रत्याशी है, उसके बाद MIM भी चुनाव लड़ रही है और साथ में आपका निर्दलीय भी उम्मीदवार है, तो आपको क्या लगता है कि इन 7 उम्मीदवार के बीच में लोग आपको पसंद कर पाएंगे, आपको चुन पाएंगे? देखिए, मैं जहाँ भी गया हूँ अपने प्रचार प्रसार में जी। मैंने लोगों से यही कहा है कि आप जितने सारे प्रोफाइल हैं आपके सामने, जितने कैंडिडेट हैं उसके प्रोफाइल को जो है आप देखिए, उनके एजुकेशन को देखिए, उनकी सलाहियत को देखिए, काम करने का तरीका को देखिए। और कुछ लोग तो ऐसे भी हमारे आप सामने आज प्रत्याशी हैं, जनता के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जो पिछले जिला परिषद रह चुके हैं, मुखिया रह चुके हैं, लोग उन लोगों को भी देख चुके हैं। मैं लोगों से यही आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग जो है एक नौजवान युवक जो अपनी नौकरी छोड़ करके आया है आपके बीच, आप उनको एक बार टाइम दीजिए। ये समय कोई 5 साल का नहीं है, ये 8-9 महीने का समय है, 8-9 महीने बाद फिर से चुनाव होने हैं और इस 8-9 महीने में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो नया विधायक है ये कितना हमारे लिए फायदेमंद है। यही हम आग्रह करते हैं लोगों से और इंशाल्लाह लोगों का जो प्यार मिला है अब तक, लोगों का जो विश्वास हम लोगों को मिला है,
और इसे हम पूरी तरह से, हमें यकीन है कि लोग हमें वोट देंगे और हमें जिताएंगे। तो ये हमारे साथ थे फिरोज आलम साहब जो किशनगंज से सीपीआई के प्रत्याशी थे, फोन लाइन पे हम मेरी बात उनसे हो रही थी। धन्यवाद फिरोज आलम साहब आपको समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। किशनगंज में कपड़ों के दुकान का बस एक ही नाम, श्री सुमंगलम। 15 साल से आपकी सेवा में विश्वास के साथ। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स नए फैशन के साथ उपलब्ध। कपड़ों की अनेक वैरायटी सही दाम में उत्तम क्वालिटी के साथ। साथ ही बच्चों के कपड़े 0 साइज से लेकर सभी उम्र के लोगों के लिए सलवार सूट, लहंगा, कोट पैंट, ब्रांडेड जीन्स एक ही छत के नीचे। तो आज ही आए श्री सुमंगलम, नीमचंद रोड, किशनगंज। देश का अग्रणी मोबाइल प्रदाता कंपनी Xiaomi का आधिकारिक MI स्टोर अब आपके शहर किशनगंज में, जहां आपको मिलेगा MI मोबाइल और एसेसरीज के साथ साथ स्मार्ट टीवी, MI बैंड, पावर बैंक, MI साउंड बार, ईयरफोन और हेडफोन, एयर प्योरिफायर, होम सिक्योरिटी कैमरा, LED बल्ब, लगेज बैग, बैकपैक, ट्रिमर, मेन स्पोर्ट शू के साथ साथ लाइफस्टाइल के सभी प्रोडक्ट्स, वो भी एक्सक्लूसिव। एड्रेस MI एक्सक्लूसिव स्टोर, RK मोबाइल स्टोर, उत्तरपाली, नियर राइस मिल, किशनगंज।